वेलकम टू अंजनासी किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम चिप्स बनाने जा रहे हैं। ये बहुत टेस्टी चिप्स बनता है और ये सालों साल आप इसे यूज कर सकते हैं। बच्चे बड़े इसे बहुत इंजॉय करके खाते हैं। ये व्रत में भी आप खा सकते हैं, अगर व्रत के नमक से बनाएंगे तो। ये चिप्स बनाने के लिए हमने इस तरह का आलू लिया है। देखिए, ये आजकल आलू पतले छिलके वाला मिल रहा है, उसी आलू को हमने लिया है। इस तरह से आप बड़ा बड़ा आलू ले लीजिए और इसे छील के और इसे बनाइए। 2 महीने बाद बनाएंगे तो ये आलू मीठे आएंगे, उतने अच्छे चिप्स नहीं बनेंगे। तो इस समय जो आलू आ रहा है उसका चिप्स बहुत अच्छा बनता है। इस तरह से देखिए, हमने 1 kg आलू का बनाया है, उसे हमने छील के ले लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो उसे पानी में भिगा के रखें आलू को। ये हम थोड़ा बना रहे हैं इसलिए हम तुरंत काट लेंगे, इसलिए हमने नहीं भिगाया है। और ज़्यादा क्वांटिटी में आलू बाहर रहेगा तो आलू काला पड़ जाएगा और चिप्स हमारे काले हो जाएंगे। जब भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो उसे आप पानी में भिगा के रखें। तो ये देखिए, ये जाली वाला जो हमने चिप्स बनाया है, डिज़ाइन वाला, इसको आलू को घुमा घुमा के काटना है। एक डायरेक्शन में बिल्कुल मत काटें, एक बार काटें फिर उस आलू को घुमाएं, फिर दूसरी डायरेक्शन में काटें, तब ये जाली वाला चिप्स आपका बनके तैयार होगा। और प्लेन वाले को एक ही डायरेक्शन में काटना है। इसे इस तरह से आप काटते जाइए, आपका चिप्स बनके तैयार हो जाएगा। इसमें मेहनत नहीं है। और डिज़ाइन वाले में हर एक चिप्स काटने के बाद आलू को घुमाना है, इसलिए उसमें टाइम लगता है। इस तरह से आप दोनों चिप्स काट के तैयार कर लीजिए। और इसे हमने 3-4 पानी से धो के, देखिए बिल्कुल साफ़ पानी जब तक आए तब तक आप इसको धोते रहिए। तो इस तरह से हमने धो के तैयार कर लिया है। दोनों ही चिप्स हमने अच्छे से धोया है। इसका स्टार्च निकाल दीजिए धो धो के, तभी आपका चिप्स साफ बनेगा। सफ़ेद बनाने के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। अब हमने देखिए पानी रख दिया भगोने में बॉयल होने के लिए, उसमें हमने 2 पिंच फिटकरी डाला है। फिटकरी डालने से हमारा चिप्स बढ़िया बनता है। और 1 स्पून हम इसमें व्रत वाला नमक डालेंगे, सेंधा नमक, क्योंकि ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हम सेंधा नमक से बना रहे हैं। जब ये बॉयल होने लगेगा फिर हम इसमें आलू डालेंगे। बस एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आलू को आप अच्छे से धो के रखिए, इसमें बिल्कुल स्टार्च नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा चिप्स अच्छा नहीं बनेगा। इसको 3-4 पानी से आप धो लीजिए, फिर इसे पकाइए। इस तरह से देखिए, अब पानी बॉयल होने लगा, हम इसमें चिप्स डाल दिए। ऐसे हम ढक के 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद इसको हम हल्का दबा के देखेंगे। देखिए कितना बढ़िया चिप्स कटा है। हल्का सा ये हाफ बॉयल होना तक पकाना है हमको, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। इस तरह से हमको इसे अलट पलट के पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इस तरह से हमको पलटते रहना है, नहीं तो नीचे आलू पक जाएगा, ऊपर कच्चा रह जाएगा। इसको अगर आप नहीं पलटेंगे तो नीचे ही पकेगा, ऊपर रह जाएगा, इसलिए इसको आपको पलटना है। इस तरह से बीच बीच में हमको स्टर करते जाना है। अब फिर हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए, अब हमारा चिप्स लगभग पक गया है। हम इसे ज़रा चेक कर लेते हैं 1 पीस निकाल के। तो पहले हम इसे पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी थोड़ा पक जाए, और इसे हम चेक कर लेंगे। ये चिप्स आप किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, सफ़र में भी आप तल के ले जा सकते हैं, ये किसी भी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। बारिश में तो इसका बहुत ही टेस्ट आता है खाने में। इस चिप्स को बारिश में आप तलिए और इसे इंजॉय करिए चाय के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये सालों साल आप रखिए, इसे इंजॉय करिए। ये देखिए, ये चिप्स हमारा पक गया है। अब इसे हम छन्नी में निकाल लेते हैं। ये हाफ बॉयल तक ही पकाना है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे हमने हल्का से दबा के देख लिया और इसे मोड़ के भी देखा, ये टूटना नहीं चाहिए मोड़ने पे, तब समझिए आपका चिप्स बढ़िया पका है। यदि मोड़ने पे टूट जाए तो ओवर कुक हो गया है, इसलिए आप इसे हल्का ही पकाएं, बस हाफ बॉयल होने तक। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए बस इतना हमको पकाना है। तो ये देखिए, अब ये ठंडा होने के लिए इसे हम रख देते हैं, दूसरा स्लॉट निकाल लेते हैं तलने उबालने के लिए। अब ये भी हम बॉयल कर देंगे। जब तक ये बॉयल होता रहेगा जब तक हम उसको डाल देंगे। एक प्लास्टिक सीट फैलाएंगे, उस पर हम सुखा लेंगे। हम फैन में सुखा रहे हैं, तो इसे आप रात में भी बना सकते हैं। रात में फैन में डाल दीजिए, सुबह आपका चिप्स बन के तैयार हो गए। तो इसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप धूप में ही डालें, ये फैन में भी सूख जाता है बहुत आसानी से। ये देखिए, हमने प्लास्टिक सीट डाल दिया है टेबल पे। अब इस पर हम 1-1 पीस करके फैला लेंगे। इस तरह से बनाएंगे तो आपका चिप्स बहुत सफ़ेद बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। बस इस टिप्स को आप ज़रूर याद रखिए कि इसमें आपको थोड़ा सा फिटकरी डालना है, जिसकी वजह से ये चिप्स बढ़िया सफ़ेद बनेगा। तो इस तरह से हम 1-1 करके फैला लेंगे। ये हमारा चिप्स फैल गया है। अब हम उसको देख लेते हैं दूसरे वाले को। इस तरह से 1-1, 1 के ऊपर 1 नहीं डालना है, इसका ध्यान दीजिए। बस 1-1 पीस ही हमको फैलाना है।
तो ये चिप्स हमारा फैल गया। अब हम दूसरा चीज़ देख लेते हैं जो हमने फैला पकाने के लिए रखा है। अब ये भी देखिए बॉयल हो रहा है, इसे भी अलट पलट देंगे इस तरह से, इसे भी पलट के पका लेंगे। इसे भी 5 से 6 मिनट तक पकाना है। पहली बार से दूसरी बार पकने में टाइम कम लगता है क्योंकि पानी बॉयल हुआ रहता है, बहुत ही जल्दी पक के तैयार हो जाता है, तो 1-2 मिनट कम लग सकता है, इसका आप ध्यान दीजिए। अब ये हमारा पक गया है, इसको भी हमने दबा के देख लिया था, अब इसे भी फैला देते हैं। और ये देखिए चिप्स 6-7 घंटे में इस तरह से सूख के तैयार हो गया। अब इसे हम एक टोकरी में निकाल लेते हैं और हम चिप्स तल के दिखाते हैं आपको। इस तरह से हमारा दोनों ही तरीके के चिप्स बन के तैयार हो गया। देखिए कितना सफ़ेद बना है, बहुत ही अच्छा चिप्स बना है। इसे हम तल के दिखाते हैं आपको, तलने में भी ये बहुत ही अच्छा बनेगा, बिल्कुल सफ़ेद बनेगा। तो दोनों ही चिप्स को हम टोकरी में ले लेते हैं और इसे फिर हम तल के दिखाते हैं। तो ये देखिए हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और उसमें ऑयल डाल दिए हैं, गर्म हो रहा है ऑयल। अब हम चिप्स तल के दिखाते हैं आपको। इस तरह से देखिए कितना बढ़िया चिप्स बन के तैयार हो गया है। इस तरह से हम चिप्स तल के फिर इस पर टमाटर पाउडर और मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, इसको आप डाल के इसे इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं हैं तो आप इसमें चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस तरह से चाट मसाले को भी छिड़क के आप इसे टेस्ट में लीजिए, ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। देखिए हमारा चिप्स तल के तैयार हो गया है और ये देखिए कितना बढ़िया तला है। अब इस पर हम टमाटर पाउडर और मिर्च पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे पुदीने के सूखे हुए पुदीने के पत्ते भी डालेंगे पिसा हुआ, और इसे इंजॉय करेंगे। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।